बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि ग्लोइंग स्किन हम कैसे पा सकते हैं। मेरी अपनी स्किन के बारे में लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आपकी स्किन बड़ी फ्रेश लगती है। एक्चुअली स्किन को फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है। कोई भी इंसान परफेक्ट स्किन के साथ नहीं पैदा होता। ऑब्वियसली जब हम बच्चे होते हैं तो स्किन बिल्कुल परफेक्ट होती है, फिर वक्त के साथ कभी एज स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कभी छाइयाँ पड़ जाती हैं, कभी पिगमेंटेशन हो जाती है, बट एवरीबडी ऑलवेज वॉन्ट्स ग्लोइंग स्किन। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कम अप विद अ फेस ग्लो सिरम, जिससे आपके स्किन के जो सर्टन इश्यूज हैं, कुछ जगह पे डार्कनिंग हुई हुई है, स्किन अनइवन हुई हुई है, उसको हम बैलेंस में लेके आएं। सो आई केम अप विद नूर बाय जुगन काजम का फेस ग्लो सिरम। अब फेस ग्लो सिरम के बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें बाय द वे हमने विटामिन B3 डाली है, जिससे आपकी स्किन जो है उसमें एक ग्लोई कम्प्लेक्शन आ जाती है। देन उसके साथ साथ देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव कंबाइंड इन दिस नेचुरल प्रोडक्ट्स, ताकि ऑर्गेनिक भी रहे बट आपको इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। अब इसको लगाने का फ़ायदा, ये आपकी स्किन को सॉफ्टन भी करेगा और आपकी स्किन को रेडियंस भी रिस्टोर करेगा। देन अगर आप देखें तो ये आपकी स्किन को प्योरीफाई भी करता है। जिस तरह आपकी स्किन थी आपके टीन्स में या बहुत यंग ईयर्स में, ये उसकी तरफ आपको वापस लेके जाता है। आपकी स्किन को एनर्जाइज करता है, उसकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है, एज स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन प्लम्प लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि स्किन जो है वो ज़रा सी बैठी बैठी लगना शुरू हो जाती है, बट जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये बाय द वे ओवरनाइट यूज़ करते हैं, इसका तरीका भी मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि हाउ टू यूज़ नूर बाय जुगन काजम का जो फेस ग्लो सिरम है। सो इट ऑल्सो प्लम्प्स अप हाइपर पिगमेंटेशन को, एंड देन ऑल स्किन टाइप्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिकी नहीं है, इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है हम सिरम्स लगाते हैं तो स्किन थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो ये हर स्किन टाइप यूटिलाइज कर सकती है, इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। बिकॉज होता ये है कि ऑयली स्किन जिनकी होती है वो मॉइस्चराइज़र को और सिरम्स को लगाना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी स्किन और ऑयली हो जाएगी। बट मॉइस्चराइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपकी स्किन केयर रिजीम का लास्ट स्टेप है। अब मैं समझाती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश, इसको क्लेंस किया, उसके बाद उसको वॉश किया, आपने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद एज द फाइनल स्टेप हम करेंगे ये कि 2 से 3 ड्रॉप्स, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा ड्राई स्किन यू कैन इवन यूज़ 4 ड्रॉप्स। मैं हमेशा फोरहेड पे और चीक्स पे दोनों और एक नेक पे ड्रॉप लगा के फेस एंड नेक के ऊपर जेंटली इसको लगा देती हूँ, एंड देन आई लीव इट। इसको आपने ओवरनाइट छोड़ना है। आप नोटिस करेंगे कि विद इन अ फ्यू डेज आपकी स्किन में एक रेडियंस आ जाएगी, एक ग्लो आ जाएगी, फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। एंड बाय द वे दिस कैन बी यूज बाय ऑल एज ग्रुप्स एज वेल, सो दिस इज़ नॉट अ टाइम लिमिटिंग थिंग। सो ज़रूर नूर बाय जुगन काजम का फेस ग्लो सिरम यूज़ करके मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा।